आज एक ऐसे ही कारखाने में जहाँ काम चल रहा है सांगनेरी प्रिंट का, छपाई का, हाथों से कपड़े पे चित्र उकेरे जा रहे हैं। छोटी छोटी जो सांगनेरी प्रिंट की बात है वो छोटी छोटी आकृति है, बेल बूटों का काम होता है इसमें। नमस्कार, मैं धनराज योगी और इस वक्त हूँ सांगानेर जयपुर में। अगर हम सांगानेरी प्रिंट के इतिहास की बात करें तो ये करीब 16 से 17वीं शताब्दी से साल पुरानी है। और सांगानेरी जो छपाई का काम है वो जो आमेर के राजा थे वो इसे लेके आए थे। कहते हैं कि जो गुजरात से कुछ खत्री परिवार है, कारीगर है, उन्हें जयपुर में लाए थे और उन्होंने ये सांगानेरी प्रिंट है वो ईजाद की थी। और उसके बाद लगातार ये तब से चली आ रही है। पहले सिर्फ राज परिवार के लोग थे, उन्हीं के लिए ये कपड़ा बनता था सांगनेरी प्रिंट का। धीरे धीरे ये और लोगों में जाता गया, और भी लोग सीखते गए और उसके बाद ये आम लोगों के लिए भी अवेलेबल रहा। अगर इसके हम कारोबार की बात करें तो करीब पिछले साल के कारोबार है करीब 1800 से 2000 करोड़ का कारोबार रहा था सांगनेरी प्रिंट का। लेकिन आज के समय में जब आधुनिकीकरण का युग है, मशीनों का युग है, तो सांगनेरी प्रिंट है वो इसका जो वजूद है वो खोता जा रहा है, क्योंकि मशीनों का युग आ गया है। पहले जो हाथ से कारीगर बनाते थे, हाथ से प्रिंटिंग करते थे, जो इसमें जड़ी बूटियों से निर्मित केमिकल का इस्तेमाल होता था जिससे जो कपड़े की लाइफ साइकिल है वो ज़्यादा होती थी। लेकिन आजकल सिंथेटिक कलर और बनावटी कलर आ गए हैं जिनसे इसकी जो पहचान है वो खोती जा रही है। लेकिन आज भी कुछ कारीगर है, कुछ भाई है जो इससे जुड़े हुए हैं इस धंधे से और अपना कार्य कर रहे हैं। आज एक ऐसे ही कारखाने में जहाँ काम चल रहा है सांगनेरी प्रिंट का, छपाई का, हाथों से जो सांचों से है वो कपड़े पे चित्र उकेरे जा रहे हैं। छोटी छोटी जो सांगनेरी प्रिंट की बात है वो छोटी छोटी आकृति है, बेल बूटों का काम होता है इसमें, बेल बूटों में। और जिस तरह एक सैनिक अपने लाइन से पंक्तिबद्ध कदारबद्ध खड़े रहते हैं, उसी तरह इस बेल बूटों का काम होता है। पहले बारीक छोटे बेल बूटे चलते थे, धीरे धीरे इनका आकार बड़ा हो गया, क्योंकि जो असली सांगनेरी प्रिंट है अगर उसको हम बनाए तो उसको बनने में करीब 6 महीने जाता था। लेकिन आज थोड़ा डुप्लीकेट बनने लग गया, उससे 3 दिन में तैयार हो जाता है, क्योंकि आज जो असली और नकली की पहचान करने वाले नहीं रहे और उसी वजह से इनको जो सही दाम है सांगनेरी प्रिंट का वो नहीं मिल पाता। और उसी वजह से एक आधुनिकीकरण मशीनी युग में कुछ जो प्रिंटिंग है वो बदलता जा रहा है। जी नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? जगदीश। कब से काम कर रहे हो आप ये? 26 साल। अच्छा, 26 साल से आप ये काम कर रहे हो, यानी कि आप इसमें एक तरह से एक्सपर्ट कह सकते हो इस काम के। कितना कलर मिलाना है, कितना कौन सा कलर होगा, कौन से कपड़े पे कौन सा कलर जमेगा, वो सब आपको पता है? अच्छा, ये कितना लेयर में आपने किया, एक सीट पे कितना जाता है लेयर, यानी कि 2-3 कलर जाता है? हाँ, 2-3 कलर जाता है तो कम करीब करीब किलो 1.5 किलो चला ही जाता है। अच्छा, 1.5 किलो से कम ज़्यादा जैसी डिजाइन होती है उसी हिसाब से। और अगर इस कारखाने की हम बात करें, इसमें अलग अलग लाइनों में 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइनों में जो सलवार सूट का काम चल रहा है, अलग छोटी छोटी प्रिंटें बनाई जाती है ब्लू कपड़े पे, उसके बाद रेड, नीला, आसमानी, यानी जिस तरह का कलर चाहिए वो तैयार किया जाता है। आपको किस तरह का बारीक प्रिंट चाहिए, मोटा चाहिए, बारीक चाहिए, ज़्यादा गहरा चाहिए, उसी तरह का जैसा आपको चाहिए इस तरह का प्रिंट निकाल दिया जाता है। ज़्यादातर जो यहाँ का जो कपड़ा है वो गल्फ कंट्रियों में, विदेशों में सप्लाई होता है सांगनेरी प्रिंट का, उसी से काफ़ी जो परिवार है जो जुड़े हुए हैं उनकी रोजी रोटी चलती है। और हमारे साथ है यहाँ पर जो काम करने वाले भाई है, ये इंजीनियर है जो ये सब देख रेख करते हैं इस कारखाने की, किस तरह का प्रिंटिंग हो, किस तरह का मटेरियल तैयार किया जाए, तो उन्हीं से भी हम जानेंगे कि किस तरह का उनका काम है। आप कपड़ा कौन सा इस्तेमाल करते हो उसमें? इसमें कपड़ा कोई सी भी ले के आओ, ज़्यादातर बताते हैं कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है। कॉटन में चलता है, सिल्क में चलता है। अच्छा, मलमल में चलता है, साठ है। और अगर आप इसके प्रिंटिंग की बात करें, डिजाइन की बात करें, तो किस तरह का आप डिजाइन बनाते हो? डिजाइन तो कौन सा भी बनवा लो। अच्छा, हाँ, कौन सी प्रिंट कराओ तो डिजाइन सी डिजाइन लोगे तो उनसे बना दूँ। कलर में कौन सा कलर, ये जो हमेशा लाइफ टाइम रहता है ये नहीं चलता है क्योंकि 4-5 महीने चलता है। अच्छा, वो फ्रोसिन में चलता है, वो लाइफ टाइम चलेगा तुम्हारा। अच्छा, हाँ। तो ये कलर एक बार करने के बाद निकलता नहीं है कपड़ों से? नहीं निकलेगा अभी यार। अच्छा, कहाँ कहाँ वैसे एक्सपर्ट होता है ये माल? यहाँ से मेरा अपना सब जमा होगा एक साथ में।
अच्छा हाँ, यहाँ से प्रेस भी जाएगा, प्रेस पे से जाएगा माल धुलाई के। अच्छा ये हम बात करें तो ये अभी जो आपने लटका रखा है ये कैसा है, कच्चा वाला है? हाँ। इसके बाद फिर क्या किया जाएगा? ये प्रेस पे जाएगा, सेंटर होगा, क्यूरिंग होगी। अच्छा पहले प्रेस किया जाएगा। हाँ। इसमें जो स्टार्च है वो मिला के लिया जाता है। हाँ। इसलिए पक्का होगा फिर। अच्छा इसके ऊपर प्रेस होगी फिर। यानी ये सिर्फ अभी कच्चा वाला है, सिर्फ छपाई की है। छपाई करने के बाद फिर ये इस पर और प्रेस करके स्टार्च डाल के इसको और कड़क किया जाएगा और फिर अलग अलग थान में उस तरह कटिंग हो गई। अच्छा कटिंग करके फिर ये बेचने के लिए तैयार होगा। और अगर बारिश वगैरह हो जाती है फिर आप बारिश हो अपना चलता रहता है। अच्छा क्योंकि ज़्यादातर ये सूखने का, क्योंकि कलर होने के बाद सूखना इसलिए रखने। अच्छा पंखों से सूख जाते हैं, बाकी अगर मौसम अच्छा रहे थोड़ा खिलता रहे तो और भी ज़्यादा जो कपड़े वो जल्दी सूख जाते हैं और ज़्यादा ये प्रोडक्शन निकाल सकते हैं उन कपड़ों का। डिपेंड करता है मौसम किस तरह का। तो बहुत अच्छा इनका जो काम है प्रिंटिंग का, क्योंकि सांगनेरी प्रिंटिंग है सिर्फ भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनका काफ़ी नाम है। गल्फ देशों में, कंट्रियों में सांगनेरी प्रिंट है वो एक्सपोर्ट होता है और इसका जो सबसे पहले जो राज परिवार के लोग हैं उन्हीं को ये कपड़ा बनता था सांगनेरी प्रिंट का। धीरे धीरे ये कला है वो ऑन आम लोगों में हस्तांतरित होती गई और आम लोगों के लिए भी ये कपड़ा बनने लग गया और उसी के बाद आम लोगों की चलन में आ गया और धीरे धीरे इसका जो प्रसार है वो सभी लोगों तक फैलता गया। और इस तरफ आप देखोगे जो इनका प्रिंटिंग का काम है कपड़े पे ये पूरा हो गया है और उसके बाद इनको सुखाने के लिए हैंग कर दिया जाता है इस तरह एक एक करके और फिर आखिरी में फिर इन दोबारा से ये सीट है वो पूरी को इसको धुलाई की जाती है, एक नए के लिए तैयार किया जाता है। जो पुराना जो कलर है डिज़ाइन है वो सबको साफ करके और फिर से एक नया कपड़ा बिछाने के लिए तैयारी होती है। इस तरह हमने दिखाया है सांगनेरी प्रिंट का काम किस तरह होता है, किस तरह कारखाने में रेडी किया जाता है। तो आपको भी कैसा लगा ये वीडियो, अगर पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना और अगर इस चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।